ऑल इंडिया मजलिस ए इतिहादुल यानी AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कल बरेली आ रहे हैं, जिसे लेकर AIMIM के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच मंगलवार को पार्टी नेताओं ने इस्लामिया ग्राउंड में प्रस्तावित ओवैसी की जनसभा के लिए जिला प्रशासन से प्रार्थना पत्र देकर अनुमति मांगी, लेकिन प्रशासन ने कोविड नियमों और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया और इस्लामिया ग्राउंड की जगह किसी दूसरी जगह पर कार्यक्रम करने के लिए कहा, जिसके बाद पार्टी के नेताओं ने मिशन इंटर कॉलेज के ग्राउंड में ओवैसी की जनसभा करने को राजी हो गए। वहीं आज सुबह से ही मिशन कॉलेज के ग्राउंड में टेंट लगाने का कार्य शुरू हो गया है। ओवैसी की जनसभा की तैयारियों पर AIMIM ने लगातार नजर बनाए हुए है। सभा इस्लामिया ग्राउंड में होना थी, वो जो है गाइडलाइन जो थी हाईकोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से वो निरस्त करके वहाँ पे मेथोडिस्ट ग्राउंड में, गर्ल्स मेथोडिस्ट ग्राउंड में उसकी अनुमति ले ली गई है। वहाँ पे कल 12 बजे ओवैसी साहब आ जाएंगे। कितने लोगों की जनसभा होगी, कितने लोगों की परमिशन दी गई? ग्राउंड की क्षमता के अनुसार पब्लिक बुलाई जाएगी कोविड-19 के तहत। कितने लोग ऐसे यहाँ से प्रत्याशी हैं जो कि दावेदारी करेंगे? प्रत्याशी तो दावेदारी केवल इंशाल्लाह ताला हमने करी है शहर से, MIM पार्टी से, और हमें उम्मीद है कि हमें टिकट मिलेगा। दावेदार तो और भी हैं, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमें टिकट मिलेगा।